Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Accountancy class. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher and your mentor. This session is going to be an important session for all the students, those who are planning to do CUET and to attempt CUET examination in 2025, planning it. So yeah, this is an important session for you all. CUET kya hai? CUET mein कितने यूनिवर्सिटीज कवर होते हैं, सीयूईटी का क्या फॉर्मेट है, किन बच्चों को सीयूईटी एग्जामिनेशन देना चाहिए और कितना फीस है, कब होगा सीयूईटी का एग्जाम, ये सारी बातें इसी के इसी सेशन में आज हम करने वाले हैं. सो या आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेदांतु कॉमर्स चैनल एंड दिस सुपर इम्पोर्टेंट क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू डू सीयूईटी इन देयर करियर अहेड. सो बेटा जी, सीयूईटी, या ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जी. सो सीयूईटी जो है, सीयूईटी आपका सारी, ऑलमोस्ट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कवर करता है, साथ के साथ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी कवर करता है और स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी सीयूईटी को इम्पोर्टेंस या फिर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाता है. तो सीयूईटी बेटा आप एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बन चुका है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एंटर करने का. पहले आप लोगों के पास कुछ इयर्स पहले, 2-3 साल पहले आपके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि हम जो है आराम से 12th में जो भी मार्क्स आएगा उसके बेसिस पर हमारा कॉलेजेस में एडमिशन होता था. बट कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी टेस्ट थे, तभी भी थे, अभी भी है ना. तो इसी तरीके से अब ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पर एंट्री कर दी है कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी का एग्जाम दीजिए, सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाइए, आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, राइट. सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज अ सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बेटा जो हर क्लास 12th के बच्चे को देना देना ही देना चाहिए. डिजाइंड टू स्ट्रीमलाइन द एडमिशन ऑफ यूजी एंड पीजी. पीजी के लिए भी आप दे सकते हो, अभी अगर 12th में हो तो ऑफ कोर्स यूजी के लिए ही दोगे. तो यूजी सीजी यूजी पीजी आप जो भी दे रहे हो, यहाँ पर मोटिव क्या है कि जो आपके मार्क्स आए हैं 12th में या जो भी आपके मार्क्स आए हैं डिग्री कोर्सेज में, उन पर डिपेंडेंट ना होकर हम सीयूईटी के एग्जाम के मार्क्स पर डिपेंड होकर एडमिशन कॉलेज में मिलेगा, राइट. तो अब सीयूईटी का जो एग्जाम है बेटा, ये सारी की सारी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर कर लेता है. 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये आपके लिए सीयूईटी एग्जाम देना बहुत जरूरी है. कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस भी एक्सेप्ट करते हैं सीयूईटी कोर्स को. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेटा, जो लोग बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीए, बीएमएस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सीयूईटी देना बहुत ही जरूरी है. आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप सीयूईटी में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो. अगर आपका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज अगर आपके टारगेट में आती हैं, आपके माइंड में है कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो आपको ये एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है. अगर मेजरली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो आपको तो देना ही देना है ना. और कॉमर्स के तो हर बच्चे को ये जो है अपना डीयू के लिए या सीयूईटी एग्जाम को पूरे तरीके से अच्छे से तैयार होकर देना ही देना चाहिए, ठीक है जी. जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए का भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अगर ये कोर्सेज करना चाहते हो अच्छे यूनिवर्सिटी से तो आप फिर तभी सीयूईटी दीजिए. बट आई वुड सजेस्ट टू ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट्स है ना, जो आप 12th पास आउट करने वाले हैं, आप बिल्कुल सीयूईटी की तैयारी कीजिए बेटा. सीयूईटी से आपको एक अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिल जाए या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपका एडमिशन हो जाए, तो ये सब चीज़ें अगर आपको मिल जाए सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने से, तो उससे बेस्ट कोई नहीं है. हर कॉमर्स के बच्चे को तो सीयूईटी की तैयारी करनी ही करनी चाहिए. तो सीयूईटी बेटा इन शॉर्ट एक एग्ज़ाम है जो हर बच्चे को जो अच्छे कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और उसका कोर्स डिसाइडेड है, उसको सीयूईटी एग्जाम लिखना ही पड़ेगा और लिखना भी चाहिए. यस, सम यूनिवर्सिटीज, सम कॉलेजेस आर स्टिल रिमेनिंग जो कि विदाउट सीयूईटी भी एडमिशन लेते हैं, बट ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना ही पड़ेगा और उसमें अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा. अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेक्स्ट है भाई, आप देखो कि पूरा आपके सारे यूनिवर्सिटीज इसमें कवर हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर हो रही है, तो कुछ तो मेहनत लगेगी इस पेपर में है ना,
क्या मेहनत लगेगी, ये जो उसकी बात करते हैं, मेहनत जो इसमें लगेगी, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शन में आप ये समझिए कि एक हो गया आपका सेक्शन 1, ठीक है जी, बहुत सारे सेक्शन, इतने भी बहुत सारे नहीं है, एक हो गया आपका सेक्शन 2 और एक हो गया आपका सेक्शन 3। सेक्शन 1 में होती है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, सेक्शन 1 में होती है बेटा इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज, है ना, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश लेते हैं। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आपको देनी रहेगी हर बच्चे को, चाहे आप कोई भी एग्जाम कोई भी कोर्स कर रहे हो CUET में, तो आपको एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, है ना, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 2 में क्या होता है, डोमेन। डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन का मतलब है जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स है, राइट। उसके साथ होता है GT, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट हर कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट कुछ कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। द टेस्ट टिपिकली कंप्राइजेस वेरियस सेक्शंस, जैसे कि लैंग्वेज टेस्ट है, डोमेन है, जनरल टेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद एग्जामिनेशन मोड CBT भी होता है और पेपर मोड भी होता है, अब पेपर मोड ही होगा आपका, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, 10th में अच्छे मार्क्स कितने लाने हैं, 40% से काम चलेगा, नहीं 50% से चलेगा, राइट। और बिल्कुल इंडियन नेशनल आप होने चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज फॉरनर फॉरेन स्टूडेंट्स को भी स्पेस देती है, बट मेजर जो है आपका इंडियन नेशनल होना पड़ेगा आपको। अब पहला सेक्शन जो होता है ना, पहला सेक्शन में होता है लैंग्वेज का टेस्ट। लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेज आप CUET की वेबसाइट पर जाओगे, है ना, और सिलेबस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारी लैंग्वेजेस जो ऑप्शन में है वो दिख जाएंगे। तो कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे आप फ्रेंच में देना चाहते हो पेपर, चाहे आप संस्कृत में देना चाहते हो, सारे लैंग्वेजेस के लिए ओपन एरिया है। उसके अलावा आपने अगर लैंग्वेज टेस्ट अच्छे से दे दिया, है ना, तो ये नहीं होगा कि स्टेप है, लैंग्वेज टेस्ट आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देना है अभी से। लैंग्वेज को एंड टाइम पे प्रिपेयर मत करना, लास्ट ईयर वाले बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई थी इंग्लिश में, तो लैंग्वेज को अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। डोमेन आपके वही हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, जिस भी बैकग्राउंड से आप हो, वहां से ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके साथ आते ही जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास है जनरल टेस्ट, जो आपने 12th में किया है वही सब्जेक्ट का आपने डोमेन का एग्जाम देना है अपने CUET में। फिर जनरल टेस्ट है जी, जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका प्रिपरेशन में आपको बाय नवंबर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है जी। टाइम क्या होगा जी, टोटल टाइम वेरीज, कभी कभी सेक्शंस पे और सब्जेक्ट का भी टाइम डिफरेंस है, बट मैक्सिमम 195 मिनट्स आपको मिलेंगे। हर करेक्ट आंसर पे आपको मिलते हैं बेटा CUET के एग्जाम में 5 नंबर, और हर रॉन्ग आंसर पे आपको मिलते हैं -1, ठीक है जी, समझ रहे हो इन चीजों को। एक आपने अपनी 12th जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से की होनी चाहिए, एज लिमिट ऐसा कोई एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, राइट, एंड या एलिजिबिलिटी कैन वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो अब आप जो कोर्स डिसाइड करोगे ना, उसके ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी। तो वैसे तो बच्चे सारे ही दे देते हैं, जैसे सारे का मतलब क्या है, इंग्लिश दे दिया, डोमेन दे दिया, GT दे दिया, तो ये सारे मिला के ही दे दो तो ऑलमोस्ट आप सारे कवर कर लेते हो कोर्सेज, बट कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में GT की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो GT कुछ बच्चे नहीं भी देते। बट अगर आप GT देना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है जी, है ना। थोड़ी अलग एलिजिबिलिटी रहेगी बेस्ड ऑन द योर कोटा, ठीक है जी। अब मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा, हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट पेपर एंड पेन मोड पर होते हैं, है ना। उसके अलावा पैटर्न आपका MCQ ही रहेगा, पूरा का पूरा पेपर MCQ पेपर होता है। ये लो जी लैंग्वेज आ गई आपके पास, ठीक है, ये कोई भी लैंग्वेज में आप जो है मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरा पेपर इस लैंग्वेज में आए, ठीक है जी। लैंग्वेज आपका जो होता है सेक्शन 1, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, जो कि पैसेजेस पर बेस्ड होगा, फैक्चुअल और लिटरेरी नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। डोमेन आपका पूरा 12th बेसिस पे होगा, GT हमने देख लिया था कि GT में ये सारी चीज़ें आएंगी। ये आपकी वेबसाइट है ना, इस पर आप जाओगे तो आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अभी के अभी मिल जाएगा। टाइम कितना मिलेगा, 40 out of 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, हर एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है जी।
टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 45 मिनट्स. 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा. अब इन सब्जेक्ट्स में जैसे कि अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. बाकी सब में आपको मिलते हैं 45 मिनट्स. ठीक है जी. अब आपके पास टोटल जो लैंग्वेज मिलेंगी आपको 33 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है. 27 डोमेन में से आपको वही डोमेन चूज करने हैं जो आपने 12th में किए हैं. एक हो गया जनरल टेस्ट. ठीक है जी. मैक्सिमम आप 6 एग्जाम्स दे सकते हो, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जीटी एंड 1 और 2 लैंग्वेज, है ना. उसके अलावा 13 मीडियम आपको अवेलेबल है. टोटल क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कि 40 करने हैं, 50 हमें मिलेंगे. क्लियर बात है जी. तो इस तरीके का आपका सीयूईटी के एग्जाम का पैटर्न होता है. ये देखो जी, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. यहाँ पर आपकी लैंग्वेज आएगी, यहाँ पर आपका डोमेन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका जीटी. अब कौन सा आपको सब्जेक्ट देना जरूरी है वो डिपेंड करेगा कि आपने कोर्स कौन सा सोचा और आपने फिर उस हिसाब से यूनिवर्सिटी कौन सी सोची. जैसे अगर मुझे बीकॉम करनी है डीयू से, तो मेरे लिए इंग्लिश यानी कि एक सब्जेक्ट देना जरूरी है और कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट देने जरूरी है. चाहे मैं वो कोई भी कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स ले सकती हूँ, बट वो मुझे 12th में मेरे पास होने चाहिए. ओके जी. तो ये अगर मुझे डीयू में जाना है बीकॉम करने के लिए तो मुझे ये एग्जाम्स देने. अब ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में. उसका भी एक वीडियो बना हुआ है ना. होपफुली वी कैन अटैच द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप डायरेक्टली वहां पे चेक कर सकते हो कि कौन से आपके कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. ठीक है जी. क्लियर बात है, सही बात है ये नहीं, है ना. सिलेबस आप बिल्कुल अपना सीयूईटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो. ये एक इन शॉर्ट आपके लिए यहाँ पर क्लैरिटी थी कि सीयूईटी एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके से होगा, कितना फीस है, है ना. और शुरुआत यहाँ से आज लेते हैं. पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन से कोर्सेज लेने हैं, उस अकॉर्डिंग कौन से एग्जामिनेशन देने हैं. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज कवर करना चाहते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है कि अपना इंग्लिश दीजिए, अपने डोमेन्स दे दीजिए और जीटी भी दीजिए, अगर आप सारे कोर्सेज को कवर करना चाहते हो तो. अगर आपका मन पक्का है कि मुझे तो सिर्फ यही कोर्स चाहिए, इसके अलावा कोई और कोर्स नहीं चलेगा, तो फिर आप उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस या फिर अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए. अब फीस कितना रहेगा आप लोगों के सामने है, राइट. अगर आप 10 सब्जेक्ट्स तक ले रहे हो, 7 सब्जेक्ट्स तक ले रहे हो, तो इतना इतना फीस आपका चार्ज होगा फॉर्म फिलिंग में, राइट. तो ये तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की बात हो गई. अच्छा, अब एग्जामिनेशन कब होगा और फॉर्म कब आएंगे. फॉर्म्स आएंगे बेटा आपके फेब्रवरी एंड में, राइट. फेब्रवरी एंड में आपके फॉर्म्स आएंगे. एग्जाम होंगे आपके मई जून में, है ना. एग्जाम्स जो है आपके मई जून में होंगे सीयूईटी के, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद. तो इस तरीके से बेटा आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर सकते हो अब से, अगर अब तक नहीं करी है, क्योंकि इंग्लिश और जीटी आप लोगों के लिए नया हो जाएगा. डोमेन आई नो आपको ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, साथ साथ उसको भी अच्छे से करते रहो और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी अच्छे से आप चलाते रहो. ठीक है जी. सो या दिस मच ओनली वी विल बी कवरिंग फॉर आवर टुडे सेशन. आई होप दिस सेशन प्रूव्स टू बी अ बेनिफिशियल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड आपको समझ आए कि सीयूईटी क्या है और सीयूईटी क्यों करना चाहिए, सीयूईटी के लिए तैयारी हमें करनी क्यों जरूरी है, राइट. If you all are getting benefits from our sessions of our videos, do hit the like button and subscribe the channel. And if you have any suggestions, then ma'am, you should bring up a video on this. Do tell me that in the comment box. Yeah, thank you so much. Thank you so much for cooperating. Thank you so much for joining in. I will be seeing you all in the next part with the next important topic. Tab tak ke liye bye-bye and take care of yourselves.